बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बशर स्पीक आपकी खिदमत में हाजिर है। तो ईद जो है वो आने वाली है, कुर्बानी वाली ईद। तो हमें सबको सीखना चाहिए गोश्त बनाना। गोश्त बनाना बहुत बड़ा मसला है, हम ख़राब कर देते हैं कुर्बानी का गोश्त जो है। और जो कसाब भी हमें मिलते हैं वो भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारी तरह अनजान होते हैं गोश्त बनाने के। तो इंशाल्लाह अभी हम सियालकोट टेंट में हैं, डीटो पे, यहाँ से गोश्त बनाना जो है सीखेंगे। भाई जान, आप कब से ये काम कर रहे हैं? अब तो ये हमारे जो है 10 साल हो गए हैं। सियालकोट में हमने पहले सोचा फर्स्ट शॉप है, तो स्वेटर हमारा अपना है। एक्स्ट्रा मैंने जदीद स्वेटर बनाया है जदीद तरीके से, और हर चीज़ एयरपोर्ट रोड के ऊपर नया स्वेटर है, वो बहुत बड़ा हमारा बैकअप है इंशाल्लाह। और चिट हो गए हमारी वैन जो है, चिट वैन है, बैकअप भी जो हमारा चिट वैन में हो गया था सारा, शॉप टिकर जो है चिट हो गया था सारा हमारा। तो अभी हम प्रोफेशनल तरीके से बकरे का गोश्त जो है वो कैसे बनाया जाता है यहाँ से सीखेंगे। तो चलिए मिल के सीखते हैं। तो ये भाईजान जो है यहाँ पे बुचर हैं, ये प्रोफेशनल हैं इस काम के, तो इनसे आज सीखेंगे कि पूरे बकरे का जो हर हिस्से का गोश्त है वो किस तरह बनाया जाता है। जी स्टार्ट। जी जी शुरू करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसको इसकी जो दस्ती है हमने उतार ली, ये दस्ती हो गई। उसके अलावा दूसरी दस्ती हो गई, ठीक है जी। जी उतार दिया हमने। और हमने इसकी ये गर्दन काट दी, गर्दन काट दी। जी ठीक है, ठीक है जी। दरमियान में से काटा गया पसलियों को, यहाँ से भी दरमियान से चांपे हो गए। जी ठीक है जी। ये जो है इसका सीने के पीसीस हैं, पुलाव के लिए ये हो गया। ये जो सीने के पीसेस, ये जो पसली है इसका कीमा बनेगा, हमने इसको यहाँ फेंक दिया। अब मैंने आधा बकरा भी पकड़ा है, इसकी टांगें लादा कर दी मैंने। जनाब इसके जो पल्ले होते हैं, ये पल्ले का क्या बनाया जाता है? कीमा ही पल्ले का कीमा इसका बनेगा। मैंने ये भी कीमा बनेगा, ठीक है। ये इसकी पुट है, यहाँ पे आ गया। अब ये हराने हैं, इसको हम लादा करेंगे अपने तरीके से। ये ले जी। तो ये जी वन बाय वन बताएं क्या क्या इनका बनेगा। इससे कहते हैं फ्रंट शोल्डर, इससे दस्ती कहते हैं जी। उसके बाद फ्रंट चॉम्प आ गई जिसे चॉम्प कहते हैं जी। ये आ गया जी बैक चॉम्प जिसे कहते हैं पुट। उसके बाद जी ये सीना आ गया जिसे चेस्ट बोलते हैं जी। ये मटन नेक है जिसे गर्दन कहते हैं जी। ये बैक लेग है जिसे बोलते हैं राने जी। तो सारे पीसेस जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अलहदा अलहदा हो गए हैं। ये जो मैंने पीसेस निकाली है ये वाली, ये मिंथ के काम है, ये कीमे के लिए जी। बोनलेस हो गया है, हाँ, पल्ले वगैरह इसमें जो बिरकी मोटी निकलेगी इसके अंदर से वो भी कीमे में डालेंगे। इसको हमने लीड कर दिया। ये जी फ्रंट चेस्ट है, इसमें जो ये जो फ्रंट चेस्ट है सीना कहते हैं, इसको हमने बिल्कुल लीड कर दिया, ठीक है जी। इसकी जो वेस्ट है
वो मूव कर लें हम। पहला प्रोसेस पीसों में डिवाइड किया गोश्त को, उसके बाद हर पीस को जो है वो साफ़ किया, उसकी झिल्ली वगैरह जो ऊपर है वो उतारी, और उसके बाद फिर जो है वो हर पीस को कटाई का प्रोसेस आएगा। कितने मिनट में बना देते हैं एक बकरा? मैक्सिमम 15 से 18 मिनट। अगर इस तरह हमें प्रैक्टिस हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी वाले दिन जो है ना कमाल ही हो जाए। सबसे पहले हम गोश्त बनाएं लेकिन सब जो है 2 बजा देते हैं गाँव में, 2 से 3 हो जाते हैं गोश्त बनाते हुए अगर बड़ी कुर्बानी हो तो। असल में हम लोगों ने काम कर रहा है कटर पे, कटिंग पे, कटर बोर्ड पे। एक उसके अलावा जो जिस तरह आप ये अलहदा कर रहे हो, जिस तरह हाथ आपका चल रहा है और आपको पता है जोड़ का ना, हम तो जोड़ पे भी वो चला रहे होते हैं ना, ऐसी बात है क्या उसको बोलते हैं, हमने चलना होता है प्रॉपर तरीके से, हमें एक चीज़ का नॉलेज है, हमने देखना होता है पकड़ा हमने कहाँ से पकड़ना है, पीछे से हमने कहाँ से लेना है जी, उसको कैसे खोलना है जी, उसकी गदूदें कहाँ कहाँ हैं जी, जो उसकी वेसिस है हमने कहाँ से मुंह कर लिया जी। ठीक है, ये लालच हर बंदे के पास तो नहीं है, ये तो हमारा स्टोल है ना जी जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे यहाँ पे 10-11 साल हो गए हैं नेटो के जी, इसकी वजह से जनाब प्रैक्टिस पूरी हो चुकी, पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है जी, ये ले जी पूरा पीस साफ हो गया वाला। ठीक है जी, इसकी ये देखें कीमे की बोटी ये वाली जी लाल जी, ये इसकी जो बेसिस है दूध वगैरह है हमने इसको मुँह करना है जी। ये जिली वगैरह होती है जी, ये ना खाने के काबल तो नहीं है जी, ये जो ब्रीक बोटी होती है ना ये वाली जी, तो इसको हमने बोनलेस बोले, इसको ब्रीक बोटी बोले जी, इसको हमने कीमे में डालना होता है जी जी। ये ले जी, पूरा बकरा साफ हो गया वाला, सफाई हो गई है इसकी, स्पाइस की हो गई भी है। हम इसकी अब कटिंग करेंगे जी, इसको जो पार्ट्स वाई है पैक करेंगे इसको जी, तो ट्रे में लगाएंगे इंशाल्लाह जी। ठीक, ये जी इसकी टुक है, टुक तो रोक दिया, इसके अंदर होता है आराम मगज, ये देखिए इसको बाहर निकाला, इसके बाद नाप आराम मगज निकाल के हम इसकी कटिंग स्टार्ट करें। कैसे बंद किया, अब इसको ट्रे में लगाएंगे, बड़े ही प्यार से खूबसूरत दिलचस्पी के साथ। ठीक है जी,
ये देखें जी हम लोग कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, हम कहाँ पहुँच गए हैं। ठीक हो गया, परफेक्ट। इसको हमने यहाँ रखा। जो हमारा अगला प्रोसेस है, ये जो मटन की गर्दन है जिसे नेक बोलते हैं, हम सेंटर से लिया इसको, दो किया। इसके अंदर भी एक हराम मगज़ होता है, उसको निकालना लाजमी है। इसके हम पीसेस करेंगे, नॉर्मल बोटी ये देखें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा ही यहाँ पे आएंगे दूसरी साइड पे। इसके भी हमने 5 पीस किए हैं। इसको भी हमने कहाँ से लिया, कैसे स्टार्ट किया, अब कैसा यहाँ पे आ गया। अब मैं मज़े की बात बताऊँ कि हम भी गर्दन बनाते हैं, वो कूट कूट के गर्दन अगर इस तरह बनी हो तो खाने का मज़ा ही आ जाए और ये पहचानी भी नहीं जाएगी कि गर्दन बन रही है। तरतीब अच्छी होनी चाहिए गोश्त को। अब जनाब आगे आ गया फ्रंट चेस्ट, जिसे सीना कहते हैं। ये ज़्यादा लोग इसको पुलाव में डालते हैं, ज़्यादा पुलाव में ये इस्तेमाल होता है। इसको हमने लिया, ये मटन चेस्ट है जिसे सीना कहते हैं, ज़्यादा ये पुलाव में इस्तेमाल होता है। देखें हमने कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से लिया, अब कहाँ पहुँच गए हैं। इसकी नॉर्मल साइज है कटिंग की, यहाँ रखते हैं। ये है फ्रंट चॉम्प्स, इसे पंजाबी में इसे कहते हैं बंद। ये देखें इसकी कटिंग कैसे हो रही है, सिंगल सिंगल इसका पीस आ रहा है। इसको आप स्टीम कर सकते हैं, सालन में आ सकते हैं, कोरमे में ले सकते हैं। नॉर्मल कटिंग है ये वाली, ये सारा काम मशीन के ऊपर है। मशीन को बंद किया, ये देखिए फ्रंट चॉम्प है, कहाँ से लिया, कैसे तैयार किया हमने, ये इसको पैकिंग होगी इसकी। अगला प्रोसेस है इसका फ्रंट शोल्डर, ये मछली के पीस होते हैं, इसके साथ ही होते हैं। इसकी नॉर्मल कटिंग है, इसको आप ले सकते हैं। ये लगने में यही लग रहा है कि पूरा मुकम्मल है। इसको हम अब ग्रेवी लगाएंगे खूबसूरती से, प्यार से। ये देखें इसके ऊपर हमने लेके आनी है शाइनिंग। जी वही पीस था वो जो हमने स्टार्ट में लिया है। ये जी मटन की लेग है, इसे पंजाबी में कहते हैं अरान, ठीक है। इसको लिया, इसका ये जोड़ है, जोड़ से खोला, इसका जवानी यहाँ पे होता है, यहाँ से खोला इसको, ठीक है। इसको यहाँ से लेंगे हम, ठीक है। इसकी जो बेसिस है वो उतार रहे हैं इसको ऊपर से, ठीक है जी। ये पूरा पीस लेग है, इसको यहाँ रखा। ये गदूदें वगैरह होती हैं, ये निकाल दी यहाँ से। ये जोड़ है इसका, जॉइंट जिसे कहते हैं, जोड़ से इसको लेग है। ये गोल आ गया, ये इसकी बोन है, इसको यहाँ रख दी। इसके अंदर भी जोड़ होता है 2 पीस करने का। देखें यहाँ पे मैंने इसको टक लगाया,
इसको मैं चलिए यहाँ से लूँगा ऊपर, ये लें, ये बोन है सर। ठीक है जी, अब इसकी हम कटिंग करेंगे मशीन के साथ। सेंट से धो किया, टक लगाया, किसी से धो कर दिया। ठीक है, देखिए इसको धो किया मैंने, इसकी बोन नली है वाली, इसको भी किया मैंने, इसकी टेल है, इसके पीछे कर दिया। उसके बाद इसकी जो मछली इसे कहते हैं, इसकी बोन कहते हैं वाली, इसका यहाँ से उतारा, धो किया, इसके पीसीस मैंने नॉर्मल किए, ये देखिए। ठीक है जी, ये एक इसका पीस रह गया हुआ है, कटिंग करेंगे, इधर आ गया। अब ये देखिए, ये इसके गोल पीसीस हैं, इसको हमने सड़ लिया है। कोई पीस लेंगे, केला केला होगा, ये देखिए यहाँ रखा। अब ये मुकदम का पीस है, लाल का साइज है, यहाँ पे रख दिया, इसके दो कर दिया, यहाँ रख दिया, इसके तीन पीसेस करूँगा, ये देखिए ये हो गया। इसी का ही माल है, जो पुट के साथ होते हैं पल्ले क्या रखा, ये दो भी सी होते हैं, दो ये सीने के साथ होते हैं। ये इसके ऊपर से झिल्ली से वेस्ट, ठीक है, ये वाइट जो होता है इसकी चर्बी होती है, साफ हो गया। उसमें ये मिनट्स निकला है जिसका ये कीमा बनेगा, ये ये रहे जी मेरा ख्याल है मुकम्मल हो गया। कितने हिस्से जो हैं वो बन गए इसके? सात हिस्से जी। ठीक हो, थैंक यू सो मच। तो गोश्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैंने सीख लिया कि किस तरह बनाना है,
इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा गोश्त जो है वो ख़राब नहीं होगा, अच्छी तरह बनेगा। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमाए, अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे, अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहानों की खुशियां अता फरमाए। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सिद्दीक को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।